नाम अंकेश सिंह बघेल है और मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा हमारी न्यूटन क्लास दा न्यूटन क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से होती है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे पॉलिटी का कहाँ से शुरुआत होती है, तो उस चीज़ के बारे में पहले देखते हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं सबसे पहले बताऊँगा कि कोई भी सब्जेक्ट जो है उसकी शुरुआत जो होती है वो होती है दर्शन शास्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलोसफी। अगर इसको मैं आपके लेवल पर लेके जाऊँ, छोटे से वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ कि एकदम छोटे लेवल पर लेके जाऊँ कि जैसे कि आपके पापा हैं, आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, आपके पापा ने आपसे पूछा कि अब क्या करना है आगे, तो आपने अपने पापा को बोल दिया कि मुझे ऐसा ही बनना है। तो ये आपने फिलोसफी झाड़ दी पापा के सामने कि मुझे ऐसा ही बनना है। लेकिन जब आपने पढ़ाई करी और आपने पढ़ाई करके पापा को ऐसा ही बन के दिखा दिया, तो आपने पापा को एक प्रूफ दे दिया, तो जो फिलोसफी थी अब वो फिलोसफी क्या बन जाएगी, साइंस बन जाएगी, विज्ञान बन जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गई, फिलोसफी विज्ञान बन गई। तो सेम चीज़ अगर हम लोग राज्य के बारे में बात करेंगे, एक राज्य के बारे में बात करेंगे, तो वही चीज़ राजनीतिक विज्ञान बनेगी राजनीतिक दर्शन से, और फिर उसके बाद राजव्यवस्था बनेगी। तो सबसे पहले जो राजनीतिक विज्ञान की अगर मैं राजव्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो उसी शुरुआत की राजनीतिक दर्शन से, मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी से। फिलोसफी से अगर शुरुआत किसी चीज़ की होगी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पापा के सामने एक फिलोसफी झाड़ी थी, तो इसमें फिलोसफी करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इंडिया लेवल पर बात करूँ, तो इंडिया में जो फिलोसफर माने जाते हैं हमारे प्राचीन काल में, चाणक्य जी को माना जाता है कि चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, पूरी राजनीति के ऊपर ही थी। लेकिन अगर मैं पूरे विश्व में अगर हम मैं देखूंगा, तो वो फिलोसफी जो बनाई, जो बुक सबसे पहले फिलोसफी जो दी हुई थी, वो दी हुई थी सुकरात ने। लेकिन सुकरात क्या करते थे, अपने जो शिष्य थे उनको उपदेश देते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिटर्न में नहीं लिखा, इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, ठीक है। लेकिन इनका जो शिष्य था प्लेटो, अपने गुरु की जो बातें थी उनको उसने एक बुक में नोट किया और उसी को बोल दिया उसने एक बुक द रिपब्लिक, ठीक है। और उसने एक अकेडमी खोली थी द अकेडमी, और जो उसने बुक में लिखा हुआ था वो अपने शिष्यों के छात्रों को बताने लगा। उसी अकेडमी का एक छात्र था अरस्तु, अरस्तु ने क्या किया, एक बुक लिखी पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जब अरस्तु की बुक्स में पॉलिटिक्स में जो बातें लिखी गई थी, उनका एक राज्य में, मतलब एक राज्य में एक राजा ने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, फिर उनको लागू किया, तो देखा कि वास्तव में जो राजा को कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ उसने उस हिसाब से काम किए, तो वहाँ की प्रजा भी खुश रही और राजा को भी काफ़ी सारे लाभ हुए। तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स की बातें जब इसने लिखी थी, तो एक उसको एक आधार मिल गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अपने पापा को बोला कि फिलोसफी झाड़ी थी कि ऐसा ही बनना है, और आपने बन के दिखा दिया, तो एक आधार मिल गया। तो यहाँ से मतलब अरस्तु की इस बुक से पॉलिटिक्स को क्या मिला, जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी उसको मिल गया आधार, तो वो क्या बन गई, राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक दर्शन से क्या बन गया, राजनीतिक विज्ञान, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल गया, आधार मिल गया। जब जो अरस्तु की जो पॉलिटिक्स बुक्स थी उसकी नियमों को लागू किया गया एक राज्य में, तब जाके वो राजनीतिक विज्ञान बनी। तो उसी चीज़ को, तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया, अरस्तु को बोल दिया गया कि राजनीतिक विज्ञान का जनक, ठीक है। तो एक 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 पॉइंट और याद रखना है कि अरस्तु का जो शिष्य था उसका नाम था सिकंदर, और इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ से इस वाली चीज़ से, तो इस वाली चीज़ में एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि इनका वो पूछा था क्रम, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले सुकरात आएगा, फिर प्लेटो, उसके बाद अरस्तु आएगा, ठीक है, एक क्रम याद रखना है। तो आज के जब राजनीतिक विज्ञान आई, तो उसको धीरे धीरे लोग राजनीतिक विज्ञान के बारे में बातें करते गए, तो उसका एक नया शब्द दे दिया गया, राज्य व्यवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटी। और आज हम लोग जो राजनीतिक विज्ञान है उसको राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूँ राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग समझते हैं, तो राज्य व्यवस्था दो वर्डों से मिलकर बनी हुई है, एक है राज्य और एक है व्यवस्था। अब मैं राज्य के बारे में थोड़ा समझाता हूँ एक छोटे से लेवल पर कि राज्य क्या है। जैसे कि आपका घर है, राज्य की परिभाषा कैसे डिसाइड की गई, तो आपका जो घर है, आपके घर में आपकी पूरी फैमिली है, और आपके जो घर है उसमें आपके दादाजी के सारे रूल्स चलते हैं, और आपका जो घर भी जो है ना वो दादाजी के नाम पे है। तो मतलब क्या है, आपके जिस घर में आप रहते हो वो दादाजी के नाम पे है, तो किसका हुआ, दादाजी का हुआ। और वहाँ पे जो सारे रूल्स हैं वो कौन लागू करते हैं, आपके दादाजी बताते होंगे, तो सरकार भी किसकी हुई, दादाजी की हो गई। और वहाँ पर निर्णय भी कोई भी, कौन बाहर जाएगा, कितने टाइम तक बाहर रहेगा, कितने टाइम तक अंदर आएगा, तो सारे निर्णय कौन लेते हैं, दादाजी लेते। तो मतलब पूरी सरकार किसकी है, दादाजी की है आपके घर पे। और तो और सारे नियम भी किसके हैं, आपके दादाजी ने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ इसको अपने लेवल पे, मतलब एक राज्य के लेवल पे, एक देश के लेवल पे कैसे इस चीज़ को डिफाइन किया गया। कि एक मॉन्टेग्रो कन्वेंशन हुआ था 1933 में, तो उसमें चार आधारभूत तत्व रखे गए। एक तो रखा गया भूभाग, किसी राज्य के चार आधारभूत तत्व क्या रखे गए, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका घर है और आपका घर जो है आपके दादाजी के नाम पे है, तो वो क्या होगा, एक भूभाग होगा जिस घर में आप रह रहे हो। आपके घर के मेंबर हैं जैसे कि, तो
तो उसमें क्या हो गया, वो आपकी हरी पूरी जनसंख्या हो गई। तो एक अगर मैं बात करूँ एक राज्य के लेवल पे, तो राज्य के लेवल पे जितना भी आपका जैसे घर है उसका भूभाग है, उसी प्रकार से राज्य का एक भूभाग होगा, तो वो हो गया भूभाग। आपके घर में मेंबर होंगे तो वो हो गया आपकी घर की जनसंख्या। उसी प्रकार से राज्य में बहुत सारी जनसंख्या होगी तो वो क्या होगी, जनसंख्या। और जैसा मैंने बताया कि आपके दादाजी की सरकार आपके घर में है, तो एक राज्य में भी एक सरकार होती है किसी ना किसी की। जैसे अभी मैं आगे आके बताता हूँ आपको, तो वहाँ पे क्या है, सरकार भी है राज्य में, किसी ना किसी की सरकार होगी। और संप्रभुता, आपके दादाजी निर्णय लेते हैं किसको घर के बाहर जाना है, किसको घर के अंदर रहना है, कितने बजे तक घर पे रहना है, कितने बजे तक घर के अंदर आना है रात को, तो वो सब चीज़ें क्या हुई, आपके घर में निर्णय कौन ले रहा है, दादाजी ले रहे हैं। तो उसी प्रकार से राज्य में भी एक सरकार होगी, वो निर्णय लेगी, तो वो क्या होगा, संप्रभुता। तो ये चार तत्व जो होते हैं राज्य के हैं। जैसे कि छोटे से लेवल पर मैंने आपको बताया कि कैसे घर में भी एक राज्य को क्रिएट किया जा सकता है, उसी प्रकार से अगर मैं अपने राज्य में, अगर मैं अब इंडिया को इससे जोड़ के देखता हूँ, इंडिया के पास भूभाग है, ठीक है, जनसंख्या भी इंडिया के पास है, सरकार अभी कल मोदी जी की सरकार है तो सरकार भी है, और संप्रभुता भी है, मतलब खुद के निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, चाहे वो फिर वो आंतरिक मामले हो या फिर बाह्य मामले हो। आंतरिक मामले कैसे हैं, आंतरिक मामले जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारे यहाँ पे जो राम अयोध्या मंदिर के ऊपर फैसला आया हुआ था, तो हम किसी दूसरे देश से हमने सलाह नहीं ली थी कि हम राम मंदिर के लिए जो वहाँ पे राम मंदिर बनाए या फिर मस्जिद बनाए, तो हम लोगों ने खुद का डिसीजन लिया, किसी दूसरे देश से हमने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। ये हो गया आंतरिक मामला। वहीं मैं बात करूँ बाह्य मामले, बाह्य मामले में अभी फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अभी भी हमारा चीन है, चीन के साथ अभी हमारा बात चल रहा है, ठीक है, और हमारे साथ चीन के साथ ट्रेड भी चल रहा है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल कि अभी कुछ दिनों के लिए ट्रेड बंद हो गया है, जैसे कि व्यापार बंद हो गया है, जैसे कि लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से व्यापार चालू हो जाएगा, तो उसके लिए भी हमने किसी बाह्य किसी से पूछा नहीं, किसी देश से कि हम लोग चीन से व्यापार करें या ना करें, ये चीज़ बाह्य मामले। तो निर्णय संप्रभुता का मतलब क्या होता है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, वो भी आंतरिक और बाह्य दोनों टाइप के मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, वो हो गया संप्रभुता। तो इंडिया के पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, संप्रभुता भी है, तो इंडिया क्या होगा, एक राज्य। अब एक राज्य को चलाने के लिए नियम होने चाहिए, तो व्यवस्था जो होती है ना, व्यवस्था क्या होती है, वो नियम ही होते हैं। तो नियम जो चलते हैं, नियमों से हमारा राज्य चलता है, वो जो होता है उन्हीं को बोला जाता है व्यवस्था, बोला जाता है उसी चीज़ को। तो दोनों से मिलेगा बन गया राज्य, व्यवस्था बन गया। अब नियम होगा तो एक नियम पे तो सभी पूरा देश पूरा राज्य चलेगा नहीं या फिर पूरा देश चलेगा नहीं, तो बहुत सारे नियम होंगे। तो क्या होता है कि एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि जो नियमों का समूह हो गया, तो उसको उसी को बोला जाए संविधान। और यहीं पर थोड़े से और अच्छे से डिस्क्राइब करूँ कि मौलिक नियमों का समूह, तो मौलिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आधारभूत नियम, मतलब फंडामेंटल एक बेस के जो नियम रहते हैं, मतलब उन्हीं को बेस मान के जो है हम लोग और नियम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे यहाँ पे आर्टिकल 21 में जिसमें क्या है, प्राण देह की स्वतंत्रता है, हम लोग राइट टू लिव की स्वतंत्रता है, तो इसी को आधार मान के जैसे कि हमारी इसी को आधार मान के हमारे यहाँ पे जो लॉ बनते हैं वो बनते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, इसी को लेके बनता है। एक पानी जो है हम लोग पानी की क्वालिटी होना चाहिए, उसको लेकर लॉ बनता है। कोई भी जो मतलब स्वतंत्रता हमारी रहने की स्वतंत्रता से लेकर जो भी मामले होंगे वो आर्टिकल 21 को लेकर बनाए जाते हैं। तो वही उसी को बोला जाता है मौलिक, मतलब एक आधारभूत कानून है उसी को लेकर बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, तो वही चीज़ होगी मौलिक। तो मौलिक नियमों का समूह, एक अच्छी तरीका से अगर मैं बोलूँ, वैसे नियमों का समूह भी संविधान कहलाएगा, लेकिन अच्छे वर्ड में बोलूँ तो मौलिक नियमों का समूह को संविधान हम लोग बोलते हैं। और अच्छी तरीके से अगर संविधान की डेफिनेशन अगर मैं दूँ, तो किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए जिनमें मौलिक या फिर मूलभूत ही बोलते हैं उनको, नियम या कानूनों का समूह कहलाता है, संविधान कहलाता है। तो ये हो गया संविधान, और ये हो गया हमारा पूरा कहाँ से हमारे जो पॉलिटी राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई, तो वो हो गया। कल हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।